नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पिछले 10 माह से कोविड 19 की जकड़ में आए हिंदुस्तान में कोरोना की वैक्सीन आने पर देश भर में खुशी की लहर है। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में भी वैक्सीन का इंतजार आज समाप्त हो गया है, क्योंकि जनपद में सहारनपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना वैक्सीन यहां लाई गई है। सीएमओ ऑफिस पर कोरोना वैक्सीन के पहुंचते जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे भी मौके पर पहुंच गई है, जहां पुलिस की मौजूदगी में वैक्सीन को उतारकर सुरक्षित स्थान पर उतार कर रखवा दिया गया है, जो 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा में रहेगी। जनपद मुजफ्फरनगर को कोरोना वायरस वैक्सीन की 14,620 डोज मिली है, जिसको 16 जनवरी से जनपद के 12 केंद्रों पर लगनी शुरू होगी। वैक्सीन की डोज देने के लिए डॉक्टरों और फार्मासिस्ट एक विशेष टीम गठित की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसको पुलिस की मौजूदगी में मंडलों पर पहुंचाया गया है, तो वहीं मंडलों से स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पुलिस के साथ मिलकर कड़ी सुरक्षा में इसको विभिन्न जिलों तक पहुंचा दिया है। उसी क्रम में गुरुवार को कोरोना वैक्सीन मुजफ्फरनगर जनपद में पहुंच गई है, जहां जिसको सीएमओ मुजफ्फरनगर और जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे ने पुलिस की मौजूदगी में सीएमओ ऑफिस के सुरक्षित स्थान पर रखवाकर 24 घंटे पुलिस को तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे वहां पुलिस तैनात रहेगी। वहीं 16 जनवरी से वैक्सीन लोगों को लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वहीं इस मामले में सीएमओ का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में सहारनपुर से कोरोना वायरस मुजफ्फरनगर आ गई है, जिसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस मौजूद रहेगी। आज जनपद मुजफ्फरनगर के लिए हर्ष का विषय है कि आज जनपद में कोविशील्ड की 14,620 डोज जो है वो सहारनपुर से पुलिस एस्कॉर्ट में जिला मुख्य चिकित्सा कार्यालय में पहुंची, और जिसके हमने जिलाधिकारी महोदय की देखरेख में वैक्सीन कक्ष में ले जाके उसको सुचारू ढंग से लगाया। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने इसका उद्घाटन कराया, और ये वैक्सीन का कार्य जो है वो 16 तारीख को चार 14,600 डोज आई हैं। सर, कितने लोगों को ये वैक्सीन लगेगी स्टार्टिंग? जितने भी शुरू में जो है ये डोज जो है ये हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी, चाहे वो सरकारी हो तो चाहे प्राइवेट हो। और 16 तारीख को चार जगह पे इसका टीकाकरण का प्रारंभ हो रहा है। ये चार जगह हैं, खतौली है, मेगा खेरी है और चठावल और जानसक में। इस जगह पे इसका उद्घाटन होगा। उसके बाद में जो हमारे टीका शेड्यूल बना हुआ है, 15 साइट्स बनी हुई हैं, उस पर टीकाकरण का जो भी शासन द्वारा निर्धारित तिथियां की जाएंगी उसमें हम लोग उसको टीकाकरण शुरू करेंगे। लेकिन हम ये कार्यक्रम पूरा का पूरा दिन 3 दिन में इसको समाप्त करने की कार्य योजना बनाएंगे। मतलब किस तरह की सुरक्षा रखी जाएगी? सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था 24/7 डेज की है। आज से इसमें ये पूरा इसका जो कवच है वो पुलिस ने अपने अधीन में ले लिया, यहीं पे रहेंगे। नहीं, वैक्सीन के अभी तो सारी एडल्ट डोज हैं, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डोज दी जाएगी, पहली डोज, और दूसरी डोज 28 दिन के बाद में इसको दी जाएगी। और इसमें हम सबसे बड़ा संदेश यही देना चाहते हैं कि इस वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आप दूरी और मास्क से आप अपना बचाव करें, ये आपको बनाए रखना है, क्योंकि ये केवल एक तरीका है। और पहले वैक्सीन के बाद भी आपको कोविड हो सकता है अगर आप सुरक्षात्मक तरीके नहीं अपनाएंगे। और दूसरी डोज के करीब 15 दिन बाद में इम्यूनिटी 85 to 90% लोगों में इम्यूनिटी इसकी स्ट्रॉन्ग।